पास घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। मैं बनूंगा मैं एक दिन बड़ा आदमी, ये तसल्ली उन्हें गुदाती रही। चार पैसे कमाने मैं आया शहर गाँव, तेरा मुझे याद आता रहा गाँव, तेरा मुझे याद आता रहा गाँव, तेरा मुझे याद आता रहा। हर एक चीज का मीनिंग एक ही होता है। आज आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं, कल यहाँ से पलायन कर जाएंगे और तब आप लोग रोजगार में चले जाएंगे। हमारे विद्यालय में बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो दूर दूर से आए हैं, क्या उन्हें अपने घर की याद नहीं आती है? उन्हें भी आती है ना, लेकिन वो क्यों आए हैं? उसी प्रकार से आप लोग जिस मकसद से आए हैं, मैं बार बार आप लोगों को यही कहती हूँ कि उस मकसद को आप लोग जो पाने आए उसको अचीव कीजिए, ना कि इधर और उधर। हर एक चीज में इंटरेस्टेड रहिए। जरूरी नहीं है कि एजुकेशन लाइन से ही हर लोग आगे बढ़ते हैं। हर एक व्यक्ति के लाइफ में डिसिप्लिन बहुत बड़ी बात होती है। जिसके पास में डिसिप्लिन नहीं है, अगर वो एजुकेटेड है तो भी नथिंग, उसके लाइफ में कुछ भी नहीं। विदाउट एजुकेशन चल सकता है, लेकिन विदाउट डिसिप्लिन कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग डिसिप्लिन में रहिए, टीचर्स की बातों को समझिए। अभी हम आप लोग को प्ले करवा रहे थे।